Assalamu alaikum dear students, today we will discuss agriculture and forestry SCSS past paper 2022. So our first question is, what is integrated plant nutrient management and how chemical fertilizers efficiency can be improved, how agro industries waste mean sugar, cotton and fruits can be best utilized as a plant nutrient. So isko hum discuss karenge, integrated plant nutrient management kya hota hai. Ye jo method hai एक फार्मिंग अप्रोच का है जिसके अंदर जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ कंबाइन करके और फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको जो है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को और क्रॉप की प्रोडक्शन को. तो जो गोल है ऑप्टिमाइज करना यानी हर न्यूट्रिएंट के बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज करना वाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ठीक है, इनके इम्पैक्ट जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका पड़ता है उसको मिनिमाइज करना और हर न्यूट्रिएंट सोर्स के बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज करना, एनहेंस करना, इंक्रीज करना, इस इंटीग्रेटेड प्लान न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो है वो गोल होता है. तो इम्प्रूविंग केमिकल फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर के हम यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें है बैलेंस्ड एप्लीकेशन यानी कि हमें जो राइट अमाउंट है फर्टिलाइजर्स की वो स्पेसिफिक क्रॉप्स और सॉइल्स के लिए यूज करनी चाहिए. इसके साथ साथ प्रॉपर टाइमिंग है यानी कि टाइम को मैनेज करना, अप्लाई फर्टिलाइजर्स एट द राइट टाइम टू मैच द क्रॉप न्यूट्रिएंट अपटेक. ठीक है, राइट टाइम के ऊपर फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना जरूरी है. इसके साथ साथ जो प्रिसीजन टेक्निक्स है जिसमें टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जिसमें GPS है या सॉइल टेस्टिंग है, तो ये फर्टिलाइजर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि एक्यूरेटली इसको यूज किया जा सके. और स्प्लिट एप्लीकेशन है जिसमें फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाता है इन मल्टीपल स्मॉलर डोजेस रेदर देन वन लार्ज डोज टू रिड्यूस लॉसेस. ठीक है, एक फर्टिलाइजर्स को जो है वो छोटे छोटे डोजेस के अंदर यूज किया जाता है ताकि क्रॉप के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और क्रॉप जो है वो जो या न्यूट्रंस वगैरह हैं यानी कि उनका लॉसेज ना हो. तो इस तरह के लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए जो है वो स्मॉल डोजेस दी जाती हैं एज कम्पेयर टू लार्जर वन डोज. और उसके साथ साथ इनहेंसर्स है मीन के एडिटिव्स जिस तरह से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स क्या कर देते हैं न्यूट्रन लॉस को स्लो डाउन कर देते हैं. और यूटिलाइजिंग एग्रो इंडस्ट्री को यूटिलाइज करना वेस्ट एज प्लांट न्यूट्रेंट्स. ठीक है, जो एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट है उसको प्लांट न्यूट्रेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना. शुगर इंडस्ट्री वेस्ट जिसमें बेगोसिस या मोलेसिस आते हैं तो उसमें कंपोजिटिंग है यानी कि टर्न बेगोसिस एंड मोलेसिस इनटू कंपोज टू इनरिच सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर जिसमें मोलेसिस को यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने के लिए जिसके अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं और जो कि क्रॉप्स को के लिए बेनिफिशियल होते हैं. उसके साथ साथ कॉटन इंडस्ट्री वेस्ट है तो इसमें जो है कॉटन सीड हल्स यूज किए जाते हैं ताकि सॉइल मॉइस्चर को रिटेन किया जा सके. इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जाता है. अब एनिमल फीड है इसमें जो लिंटर्स हैं उनको फीड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके साथ साथ मैन्यूर जो लाइव स्टॉक से निकलते हैं तो उनको भी फर्टिलाइजर्स के तौर पर जो है यूज किया जाता है. उसके साथ साथ फ्रूट इंडस्ट्री जो वेस्ट है तो जो फ्रूट यानी पील्स हैं और पल्प है तो यानी कि ये न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्रिएट करता है. बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोसेस वेस्ट इनटू बायोगैस एंड द बायो प्रोडक्ट can be used as soil amendment and so by integrating these practices farmers can improve soil health, enhance crop yields and reduce dependence on chemical fertilizer. ठीक है, ये जो सारे methods हमने discuss किए हैं ये IPNM के अंदर आते हैं तो इन तमाम methods को जो है farmers use कर सकते हैं और इस तरह से वो अपने soil की health को improve कर सकते हैं, अपनी crop yield को enhance कर सकते हैं और इस तरह से उनके जो chemical fertilizers के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हसार है, dependency है तो वो इस तरह APN सिस्टम यूज करने से, इस तरह का मेथड यूज करने से वो इनहेंस जो इन्हासार है उनका वो रिड्यूस हो सकता है. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रेजेंट कॉटन सिनेरियो काजेज ऑफ लो प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 5 years एंड चैलेंजेस अहेड, हाउ पास्ट ग्लोरी ऑफ कॉटन प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड. प्रेजेंट कॉटन सिनेरियो, कॉटन जो है एक वाइटल क्रॉप है यानी कि कई बहुत सारी इकोनॉमिक्स के लिए जैसे पाकिस्तान है जो है वो यानी कि एक एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है तो इसके जो है प्रोडक्शन इसके अंदर जो जितने भी क्रॉप्स की है जो क्रॉप्स की यील्ड है तो वो उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. तो प्रोडक्शन जो है इस तरह की वो बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करती है
जिस तरह से रिसेंट ईयर्स के अंदर कॉटन की इंडस्ट्री ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, तो करंटली जो प्रोडक्शन लेवल है वो लो है एज कम्पेयर टू पास्ट। तो जो इस तरह से जो फार्मर्स की जो यानी कि उसके ऊपर जो इनको उनकी इकोनॉमी है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लो प्रोडक्शन के जो यानी कि काजिज हैं वजूहत हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर स्पेशली, तो वो हम देखते हैं वो पेस्ट अटैक है उनमें सबसे ज्यादा, यानी कि जो इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है बाय पेस्ट। जिस तरह से बॉल वर्म है ये पेस्ट है, इसने बहुत ज्यादा क्रॉप्स को जो है इस पेस्ट ने डैमेज किया है। इसके साथ साथ वेदर एक्सट्रीम्स हैं यानी अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न जिसमें ड्राउट्स और हैवी रेन्स हैं, तो इस तरह के वेदर यानी पैटर्न ने भी जो क्रॉप की यील्ड है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। अब सॉइल डिग्रेडेशन है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने से और जो पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं तो उन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस किया जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड कम हुई। उसके बाद वाटर की शॉर्टेजेस हैं जिसमें लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी जो थी इरिगेशन के लिए, तो इसने भी क्रॉप की ग्रोथ के अंदर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अब उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिस तरह हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और जो लो मार्केट प्राइसेस हैं उन्होंने भी जो है बहुत सारे फार्मर्स को डिस्करेज किया। तो इस तरह के तमाम फैक्टर्स की वजह से जो कॉटन की पैदावार है वो पिछले 5 सालों में कम हुई। अब चैलेंजेस देखते हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको अडॉप्ट करना नेसेसरी है ताकि जो क्रॉप कॉटन की प्रोडक्शन है उसको सस्टेनेबल किया जा सके। अब पेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें इफेक्टिव और सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल को डेवलप करना, इस तरह के मेथड्स डेवलप करना जरूरी है ताकि पेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज किया जा सके। और सॉइल की हेल्थ है जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना डिफरेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए। उसके साथ साथ वाटर की मैनेजमेंट जिसमें एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज मार्केट स्टेबिलिटी, तो प्राइसेस इंश्योर करना और जो कॉस्ट है उन प्रोडक्शन उसको रिड्यूस करना, क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। तो मार्केट के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अचीविंग पास्ट ग्लोरी इन कॉटन प्रोडक्शन, तो अडॉप्टिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस जिसमें एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया जिसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कैन बूस्ट यील्ड्स, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, तो केमिकल बायोलॉजिकल और कल्चरल प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके पेस्ट की सस्टेनेबिलिटी को मैनेज किया जा सकता है। अब है इम्प्रूव सॉइल हेल्थ जिसमें इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मैटर, क्रॉप रोटेशन और रिड्यूस डिलेज हैं, इस तरह के मेथड्स उन्होंने जो है वो सोइल फर्टिलिटी को इनहेंस किया है, तो इस तरह के मेथड्स जो हैं सोइल फर्टिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ है वाटर का एफिशिएंट यूज यानी कि ड्रिप इरिगेशन का इम्प्लीमेंट करना, दूसरे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का यूज करना, तो इस तरह से वाटर के यूज को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ साथ है सपोर्ट फॉर फार्मर, तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू फार्मर्स टू अडॉप्ट बेटर प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस यानी फार्मर्स को प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज कर सकें। सो बाय एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटजीज इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर हाई लेवल्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करके तमाम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके तो फार्मर्स जो हैं वो रिस्टोर कर सकते हैं इस तरह की हाई लेवल तक जो कॉटन की प्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सीड जर्मिनेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीड की जर्मिनेशन के ऊपर असर डालते हैं। हाउ सीड वायबिलिटी इज इफेक्टेड ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, वो सीड की वायबिलिटी किस तरह से स्टोरेज के दौरान इफेक्टेड होती है। व्हाट इज इनफॉर्मल सीड सेक्टर, इनफॉर्मल सीड सेक्टर क्या है, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल सीड सेक्टर। ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीड जर्मिनेशन। तो सीड की जर्मिनेशन के ऊपर जो फैक्टर्स जो अवामिल असर अंदाज होते हैं वो है वाटर, तो सीड्स नीड मॉइस्चर टू एक्टिवेट एंजाइम दैट स्टार्ट द ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, सीड्स को मॉइस्चर यानी नमी की जरूरत होती है ताकि वो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकें और अपने ग्रोथ के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ है टेम्परेचर जो कि दूसरा फैक्टर है, तो हर सीड जो है उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। इसके साथ ऑक्सीजन और सीड्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होता है रिस्पायरेशन के लिए ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इसके साथ लाइट का फैक्टर है जिसमें कुछ सीड्स जो है उनको लाइट की जरूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए और कुछ को जो है वो डार्कनेस की जरूरत होती है, कुछ मिनट के डार्कनेस के अंदर जो है वो
जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद आता है सीड वायबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। तो सीड वायबिलिटी रेफर्स टू द सीड एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। ठीक है, सीड वायबिलिटी से मतलब क्या है कि सीड की एबिलिटी कि वो किस तरह से जर्मिनेट करता है और किस तरह एक हेल्दी प्लांट के अंदर ग्रो कर सकता है। तो ये जो है इफेक्टेड हो सकता है ड्यूरिंग स्टोरेज, ह्यूमिडिटी से, नमी से इफेक्टेड हो सकता है। मीन के अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो वो सीड्स यानी के उस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी मॉइस्चर को, तो ये इसके मॉइस्चर की कमी हो जाएगी सीड्स के अंदर। नेक्स्ट जो है फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। तो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है वो सीड्स को डैमेज कर सकता है, जबकि स्टेबल और जो कूल टेम्परेचर है वो उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब है स्टोरेज टाइम, यानी ओवर टाइम सीड्स नेचुरली लॉस देयर वायबिलिटी। अगर यानी कि एक टाइम से ज़्यादा सीड को अगर यानी कि उसको स्टोर कर लिया जाता है तो उसकी वायबिलिटी जो है वो लूज हो सकती है और उसकी डिफरेंट यानी कि इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। अब इनफॉर्मल सीड सेक्टर क्या होता है? तो इनफॉर्मल सीड सेक्टर इसके अंदर यानी कि वो सीड रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड हैं जो कि यानी कि फार्मर के आउटसाइड हैं। तो रेगुलेटेड सीड इंडस्ट्री एंड इट इन्वॉल्व फार्मर सेविंग एक्सचेंजिंग एंड सेलिंग सीड्स अमंग देमसेल्व्स। इनफॉर्मल सीड के एडवांटेजेस क्या हैं? लोकल अडॉप्टेशन, सीड्स जो है ऑफन आर ऑफन बेटर अडॉप्टेड टू लोकल कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सीड्स को ज़्यादातर जो है वो लोकल कंडीशंस और प्रैक्टिसेस की अडॉप्टेशन चाहिए होती हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव इसमें फार्मर्स जो है वो मनी सेव करते हैं बाई री यूजिंग एंड एक्सचेंजिंग सीड्स। ठीक है, सीड्स को अगेन यूज करके या फिर उनको एक्सचेंज करके तो अपने मनी को वो सेव कर सकते हैं और सीड्स रेदर देन बाइंग न्यू वंस। ठीक है, उनको न्यू जो है बाय नहीं करने पड़ते न्यू सीड्स। बायोडाइवर्सिटी इनकरेजेस द यूज ऑफ डाइवर्स क्रॉप वैराइटीज विच कैन इनहेंस रेजिलियंस टू पेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अब इनफॉर्मल सीड सेक्टर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? तो क्वालिटी कंट्रोल है जिसमें लैक ऑफ रेगुलेशन कैन रिजल्ट इन पुअर सीड क्वालिटी एंड लोअर क्रॉप यील्ड्स। लिमिटेड एक्सेस टू न्यू वैराइटीज, फार्मर्स मे मिस आउट एन इम्प्रूव्ड सीड वैराइटीज डेवलप्ड बाय फार्मर फार्मल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ द सीड्स कैन फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ द प्लांट डिजीजेस। सो इनफॉर्मल सीड सेक्टर को बैलेंस करके फार्मल सीड सेक्टर के साथ तो दे कैन प्रोवाइड फार्मर्स विद बोथ ट्रेडिशनल एडवांटेजेस। ठीक है, एंड एक्सेस टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। अगर इनफॉर्मल सीड सेक्टर को फार्मल सीड सेक्टर के साथ बैलेंस कर दिया जाता है तो ये जो है एक तो फार्मर्स की जो है ट्रेडिशनल जो उसको एडवांटेजेस हैं वो प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स हैं यानी कि उनकी उन तक एक्सेस जो है वो फार्मर्स हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन पोटेंशियल एंड इश्यूज ऑफ द स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्टेड इन माउंटेन्स एंड सेमी माउंटेन्स एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मीन GMOs। तो पोटेंशियल और जो इश्यूज हैं स्मॉल डैम्स के माउंटेन्स एंड सेमी माउंटेन्स एरियाज ऑफ पाकिस्तान, उनमें हम देखते हैं वाटर स्टोरेज है। तो स्मॉल डैम्स जो हैं वो जो वाटर को स्टोर कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। तो ये जो है इस तरह के वाटर की स्टोरेज इम्पोर्टेंट होती है उन एरियाज में जहाँ पर रेनफॉल जो है वो इरेगुलर हो। तो उसके बाद है हाइड्रो पावर की जनरेशन, दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डैम्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से जो लोकल एनर्जी नीड्स हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्लड को कंट्रोल है, हेल्प्स इन मिटिगेटिंग फ्लड रिस्क बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो। वाटर फ्लो को रेगुलेट बना के जो है वो फ्लड रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिवलीहुड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाती है, लिवलीहुड्स इन्हेंस हो जाती हैं स्पेशली लोकल कम्युनिटीज़ की। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो कि ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और इकोसिस्टम्स को हेल्दी बनाता है अपने सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। इसके साथ इससे जो इश्यूज आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन का इशू आता है, तो कुछ जो स्मॉल डैम्स होते हैं वो सेडिमेंट के साथ तेजी से जिनके फिल हो जाते हैं। इस तरह से जो लाइफ स्पैन है वहाँ पर जो यानी ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो उनके लिए जो है ये नुकसान का बायस बनते हैं। और उसके बाद सोशल डिसप्लेसमेंट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में लीड टू डिसप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज एंड लॉस ऑफ लेवलीहुड्स। अब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो अल्टर्स नेचुरल रिवर इकोसिस्टम, जो रिवर
इकोसिस्टम्स नेचुरली तौर पर होता है उसको उस सिस्टम्स को जो तब्दील कर देती हैं, और इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट्स है या फिशेज उस रिवर के अंदर रह रही होती हैं, वाटर के अंदर, तो उनके उनके ऊपर जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. मेंटेनेंस चैलेंजेस, लैक ऑफ फंड्स एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज कैन हिंडर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन. एंड वाटर राइट्स, डिस्प्यूट्स ओवर वाटर एलोकेशन एंड ओनरशिप कैन अराइज अमंग स्टेक होल्डर्स. ठीक है, इस तरह से स्मॉल डैम्स के नुकसान भी होते हैं कि जो वाटर एलोकेशन के और ओनरशिप के हवाले से जो है वो डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं स्टेक होल्डर्स के अमंग. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि यील्ड इंक्रीज होती है. जीएमओज के जिनके हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो जीएमओज जो है वो हायर क्रॉप यील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती है. एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड किए जाते हैं कि वो उनको उनके अंदर डिजीज अगेंस्ट यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वो उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी की भी जो है वो उनके अंदर काबिलियत होती है. उसके साथ साथ है पेस्ट रेजिस्टेंस, तो कुछ जीएमओज जो हैं वो इंजीनियर्ड होते हैं, इंजीनियर्ड टू बी रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज, और इस तरह से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनकी नीड्स को रिड्यूस करते हैं. अब है ड्राउट टॉलरेंस, जीएमओज जो है वो इंजीनियर्ड हो सकते हैं यानी कि विदस्टैंड ड्राउट कंडीशंस, और इस तरह से जो यानी कि हार्वेस्ट है, रिलायबल हार्वेस्ट है, उसको इंश्योर करते हैं. न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है जीएमओज की, तो ये न्यूट्रिशनल कंटेंट को एनहेंस करते हैं. कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू क्रॉप्स एड्रेसिंग मेल न्यूट्रिशन. एंड इन्वायरमेंटल, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये टिलेज को रिड्यूस करते हैं, पेस्टिसाइड्स के यूज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम होता है. डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, तो हेल्थ कंसर्न्स यानी कि जो पोटेंशियल एलर्जेनिटिसिटी और अननोन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हैं इसके ह्यूमंस के ऊपर, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है. जीएमओ जो है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी हार्म करते हैं, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. रेजिस्टेंस पेस्ट जो है वो बाजू का ये भी हो सकता है कि उन जो है वो डिजीज के खिलाफ जो उनको जो जिस यानी कि मेडिसिन या जो कुछ फर्टिलाइजर्स अप्लाई उनके अंगेंस्ट कर यानी कि की जाती हैं, तो उनके अंगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो इस तरह से पेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होते और क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देते हैं. तो इस तरह से ये यानी कि रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है, और ये इसका जो है एक डिसएडवांटेज है. अब एक कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है जो जीएमओज के यूज के ऊपर, एथिकल कंसर्न है कुछ इसके ऊपर, और जिस तरह से यानी कि क्रॉस पोलिनेशन है, जिस तरह से जीन फ्लो टू वाइल्ड रिलेटिव्स आर नॉन GMOs crops can occur posing challenges for coexistence. So these points highlight the complex considerations surrounding the adaptation and regulation of the GMOs in agriculture. Next, our question is discuss objectives and basis of conventional forest classification in Pakistan and describe the distribution of the forest in Pakistan. तो ऑब्जेक्टिव्स और जो बेसिस हैं कन्वेंशनल फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर वो हम देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसमें यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, उसको मैनेज करना, इसके साथ साथ कंजर्वेशन है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, और प्लानिंग है जिसमें फैसिलिटेट प्लानिंग फॉर फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग एंड रिफॉरेस्टेशन. रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिसर्च ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स एंड मॉनिटरिंग चेंजेस ओवर टाइम. ठीक है, ये यानी कि जो रिसर्च के लिए बेसिस प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर, और इसके साथ साथ जो चेंजेस होती हैं टाइम के साथ साथ उनको मॉनिटर किया जाता है. पॉलिसी डेवलपमेंट है, असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. अब क्लासिफिकेशन की बेसिस है जिसमें बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं, जियोग्राफिकल जो और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जिसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइप्स और सॉइल इंक्लूड है. इसके साथ साथ फॉरेस्ट टाइप है जिसमें डोमिनेंट जो ट्री स्पीशीज की क्लासिफिकेशन है जिसमें कॉनिफेरस है या ब्रॉड लीफ है, मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं और मैंग्रोव्स हैं. एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में भी क्लासिफाइड बाय एल्टीट्यूड जोन्स सच एज लो लैंड, माउंटेन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट. ठीक है, एल्टीट्यूड के हवाले से फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ ओनरशिप और मैनेजमेंट का फैक्टर है जिसमें क्लासिफाइंग फॉरेस्ट बेस्ड ऑन ओनरशिप. ठीक है, ओनरशिप की बुनियाद पर फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है.
और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हवाले से इनको फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, इनके प्रोडक्शन है, प्रोटेक्शन है और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन है। अब फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस रीजंस। पाकिस्तान के मतलब रीजंस के अंदर ये जो फॉरेस्ट हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कुछ नॉर्थर्न एरियाज के इलाके हैं यानी हिमालयन रीजन जिसमें के अंदर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादातर डोमिनेटेड हैं बाय स्पीशीज लाइक पाइन है, फिर है और इसके साथ साथ जो जो हैं ये हायर एल्टीट्यूड के ऊपर पाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से वाटरशेड की प्रोटेक्शन है और टिम्बर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नॉर्थर्न वेस्ट माउंटेन रीजन डेट कंटेन मिक्स्ड फॉरेस्ट विद अ ब्लेंड ऑफ द कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीफ स्पीशीज, ठीक है, ब्रॉड लीफ जो बड़े पत्तों वाले स्पीशीज हैं और कॉनिफेरस हैं ये मिक्स्ड पाए जाते हैं इस एरियाज के अंदर और ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल लिवलीहुड्स के अंदर थ्रू टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ जो बलोचिस्तान के अंदर जो हमारे जिनके फॉरेस्ट रीजन के अंदर पाए जाते हैं तो ये ड्राई और स्पार्स फॉरेस्ट हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीशीज इनके अंदर मौजूद होती हैं जिस तरह से टेमर्सिस है या एकेसिया है, तो ये जो है एरिड कंडीशंस जो अडॉप्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और यानी कि फोडर प्रोवाइड करते हैं लिव स्टॉक के लिए। नेक्स्ट है पंजाब और सिंध के जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, तो मोस्टली ये जो है इरीगेटेड प्लांटेशंस के ऊपर जो है कंप्राइज्ड होते हैं और नेचुरल वेजिटेशंस से कैटेड करते हैं, तो इसके अंदर मैंग्रोव्स इंक्लूड हैं जिसमें कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध के साथ ये पाए जाते हैं और ये क्रूशियल हैं कोस्टल इकोसिस्टम और फिशरीज के लिए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो ये ओक और मिक्स टेम्परेचर फॉरेस्ट हैं यहाँ पर और मिक्स टेम्परेट फॉरेस्ट के साथ सपोर्टिंग ये सपोर्ट करते हैं डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना, ठीक है, फ्लोरा एंड फाना ज़्यादातर पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ये टिम्बर प्रोवाइड करते हैं और रिक्रेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, लोकल इकोनॉमीज के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो हेल्प करते हैं फार्मूलेट करने में पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को फॉरेस्ट मैनेजमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए और जो कंजर्वेशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको इस हवाले से जो पॉलिसीज हैं स्ट्रेटजीज हैं वो डिवेलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब रोल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन फॉरेज स्कार्सिटी मिटिगेशन फॉर लीव स्टॉक, हाउ रेंज एरियाज हैव प्लेड देयर रोल्स इन लीव स्टॉक रेडिंग, ठीक है, तो हम देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का रोल फॉरेज स्कार्सिटी के अंदर मिटिगेशन फॉर लीव स्टॉक। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो क्रूशल रोल प्ले करती है इन मिटिगेटिंग फॉरेज स्कार्सिटी फॉर लीव स्टॉक थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फीड रिसोर्सेज, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स इंटीग्रेट करता है ट्रीज को क्रॉप्स के साथ एंड फॉरेज ग्रासेस के साथ और डाइवर्सिफाई करते हैं अवेलेबल फीड ऑप्शंस फॉर लीव स्टॉक। इसके साथ सोयल इनहेंसिंग फोडर क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को। अब शेल्टर एंड शेड है, ट्रीज जो है वो शेड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं लीव स्टॉक के लिए, इस तरह से हीट स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, एनिमल वेलफेयर को इम्प्रूव करते हैं, फोडर की प्रोडक्शन है कुछ एग्रोफॉरेस्ट्री स्पीशीज जिसमें फोडर ट्रीज और श्रब्स हैं ये स्पेशली जो है ग्रो करते हैं और न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करते हैं लीव स्टॉक के लिए। इरोजन कंट्रोल, एग्रोफॉरेस्ट्री हेल्प करते हैं सॉइल को स्टेबलाइज करने में, इरोजन से बचाते हैं और पॉइस्चर क्वालिटी फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स इसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब रोल ऑफ डिफरेंट रेंज एरियाज इन लीव स्टॉक रीयरिंग है, तो डिफरेंट जो रेंज एरियाज हैं जिनकी बुनियाद करें जिनके की कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंट के ऊपर होती है, तो ये जिस रोल्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीव स्टॉक के अंदर। हाई लैंड रेंजेस जो माउंटेन्स रीजन्स के अंदर यानी के पाए जाते हैं ये रग्ड टेरेन और समर ग्रेजिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं व्हेन लो एरियाज में फेस हीट स्ट्रेस और इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांस वुमेन्स वेयर लीव स्टॉक आर मूव्ड सीजनली टू हायर पास्चर और लो। उसके बाद लो लैंड रेंजेस जो हैं ये प्लेन्स और वैलीज के अंदर लोकेटेड होती हैं और ये यानी कि ऑफन यूज्ड फॉर ईयर राउंड ग्रेजिंग ड्यू टू मिल्डर क्लाइमेट एंड मोर स्टेबल वेजिटेशन, ठीक है, ये पूरे जो है साल में यूज होते हैं क्योंकि ये मिल्डर क्लाइमेट्स इनके ऊपर इफेक्ट होता है और स्टेबल वेजिटेशन रहती है जहाँ पर। और उसके साथ साथ जो है वो डिजर्ट रेंजेस हैं ये जो है वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर पाए जाते हैं विद स्पार्स वेजिटेशन और लिव स्टॉक हेयर रिले ऑन ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड मे रिक्वायर सप्लीमेंट्री फीडिंग ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ग्रास लैंड रेंजेस क्या होते हैं, प्री डोमिनियंटली ग्रास कवर्ड एरियाज
provide extensive grazing opportunities, especially during favorable weather conditions. Wetland ranges, marshes, swamps, floodplains that support the vast vegetation and other they're important for seasonal grazing and water access for livestock. So each range jo area hai wo yani ki contribute karta hai livestock rearing ke andar jo ke ecological characteristics ke upar iski depend karta hai climate suitability ke upar aur iske alawa forage resources ki availability ke upar. So in yani ke jo roles hain inko understand karke effective management of livestock and sustain yani ke management livestock ke andar to jo range ecosystem hai usko sustainable iske wajuh ko banaya ja sakta hai. लास्ट हमारा क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर सिस्टम्स. प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री तो सस्टेनेबल इसमें मैनेजमेंट है यानी कि फॉरेस्ट्री के प्रिंसिपल्स के अंदर जिसमें लॉन्ग टर्म हेल्थ को इंश्योर यानी कि किया जाता है और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को इंश्योर किया जाता है वाइल मीटिंग प्रेजेंट नीड्स. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रिजर्व एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी विद इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम सर्विसेज maintain and enhance the ecosystem services provided by forest such as carbon sequestration water regulation and soil conservation. theek hai ecosystem jo hai wo enhance karta hai maintain karta hai services ko jo ke forest provide karte hain jis tarah ke carbon sequestration hai water regulation hai aur soil ko conserve karna hai. multiple use jisme forest manage karte hain yani ke for a variety of the purposes ke liye isko manage kiya jata hai jiske andar टिम्बर की प्रोडक्शन में इनके ह्यूमंस जो हैं वो टिम्बर से हासिल करते हैं रिक्रिएशन हासिल करते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट और इसके अलावा वाटरशेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अडाप्टिव मैनेजमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड एडजस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग कंडीशंस. कम्युनिटी एंगेजमेंट तो लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करना और जो बेनिफिट होता है यानी कि इस तरह की शेयरिंग स्पेशली जो फॉरेस्ट से के रिसोर्सेज से रिलेटेड हो. लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क तो ऑपरेट विद इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड पॉलिसीज दैट गवर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. अब रिसर्च और इनोवेशन है जिसमें रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि ये फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है और इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हैं. और उसके बाद आता है फायर मैनेजमेंट इसमें स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए ताकि जो वाइल्ड फायर्स है उसको मैनेज किया जा सके और इससे बचा जा सके ताकि फॉरेस्ट और जो एडजेसेंट जो कम्युनिटीज हैं उनको इस तरह के डैमेज से बचाया जा सके. उसके बाद आता है सिल्वीकल्चर सिस्टम जिसमें क्लियर कटिंग है हार्वेस्टिंग ऑल ट्रीज इन अ डिजाइन एरियाज एट वंस फॉलोड बाय रिफॉरेस्टेशन सूटेबल फॉर स्पीशीज रिक्वायरिंग फुल सनलाइट फॉर रीजनरेशन. अब जो है सिलेक्टिव कटिंग है जिसमें यानी कि मैच्योर ट्रीज को रिमूव किया जाता है और यंगर ट्रीज जो है वो यानी कि अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखते हैं और इस तरह से जो फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर है स्पीशीज की यानी कि डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है. शेल्टर वुड कटिंग ग्रेजुअल रिमूवल जो मैच्योर ट्रीज का सीवियस यानी कि स्टेजेस के अंदर होता है तो ये शेड और प्रोटेक्शन रीजनरेशन के लिए प्रोवाइड करता है. ठीक है ये जो है अनइवन एज्ड फॉरेस्ट में यूज किया जाता है. सीड ट्री का मेथड यूज किया जाता है जो मोस्ट यानी कि ट्रीज हैं रिमूव होते हैं और इस तरह से जो कुछ यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग ट्रीज हैं वो रह जाते हैं पीछे इस तरह से उन सीड से जो है वो एक फॉरेस्ट नेचुरली तौर पर रीजनरेट हो जाते हैं. रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग टू इंश्योर सक्सेसफुल रीजनरेशन. ग्रुप सिलेक्शन जिसमें कटिंग ट्रीज जो स्मॉल ग्रुप या पैचेस के अंदर होती है तो ये डिफरेंट एज स्टैंड के को मेंटेन करती है और जो हैबिटेट की हैबिटेट डाइवर्सिटी है और बायोडाइवर्सिटी उसको प्रमोट करते हैं. सिंगल ट्री सिलेक्शन है तो ये हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल ट्रीज सेक्रेटेड थ्रू आउट द फॉरेस्ट एंड मेंटेनिंग कंटिन्यूस कैनोपी कवर. ठीक है कैनोपी कवर को ये जो है वो मेंटेन करती है इसके साथ साथ जो जो हाई वैल्यू टिम्बर स्पीशीज हैं उसके लिए भी सिंगल ट्री सिलेक्शन सुटेबल होती है. स्ट्रिप क्लियर कटिंग इन नैरो स्ट्रिप्स लीविंग ट्री स्ट्रिप्स टू प्रमोट नेचुरल रीजनरेशन एंड रिड्यूस विजुअल इम्पैक्ट. अदर इज पैच क्लियरिंग कटिंग इरेगुलर पैचेस के अंदर जो कि यानी कि मुख्तलिफ लैंडस्केप स्ट्रक्चर्स इसे क्रिएट होती है और ये वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के लिए बेनिफिट्स होती है. इरेगुलर शेल्टर वुड ये जो शेल्टर वुड है सिमिलर होती है कटिंग से बट विद इरेगुलर स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ कट्स और मिमिकिंग नेचुरल डिस्टर्बेंसेस एंड प्रमोट इकोसिस्टम रेजिलियंस. तो हर जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है वो यानी कि चूज किया जाता है बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज जिसमें फॉरेस्ट टाइप है इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं टिम्बर प्रोडक्शन है
और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस है, एमिंग टू बैलेंस इकोनॉमिक इकोलॉजिकल एंड सोशल आउटकम्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तमाम जो सिल्वीकल्चर सिस्टम्स का मकसद होता है वो तमाम जो फैक्टर्स हासिल करना होता है जिसमें इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर प्रोडक्शन की जाती है, और इसके साथ साथ एम होता है ताकि इकोनॉमी को बैलेंस किया जा सके और इकोलॉजिकल और सोशल जो आउटकम्स हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो इनको इन आउटकम्स को ऑब्टेन करने के लिए सिल्वीकल्चर का सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है।